50 रुपए किराया खर्च करके वो सवारी चाय पीने के लिए आती है, क्योंकि चाय नंबर एक की चाय है। इस चाय से ना सर्दी होता है, ना जल्दी जुखाम होता है, ना जल्दी कोई बीमारी आती है, मैंने ये देखा है। दोस्तों इसमें देखिए भैया ने अदरक, तुलसी पत्ता और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली है और इससे ये चाय काफ़ी स्वादिष्ट बन जाती है। टेस्टी केक भी मिलता है जो कि चाय के साथ लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। जो है घटघट का वासी उसे कहते हैं क्या दोस्तों, राइडर ऑफ काशी। तो दोस्तों मैं दिल्ली फूड ब्लॉग के नए सीरीज में आज एक आया हूँ चाय की टपरी। चाय की टपरी एक फेमस सुदामा टी स्टॉल है नॉर्थ कैंपस में। यहाँ पर जो है आपको दिल्ली की बेहतरीन चाय मिलेगी। अगर दोस्तों आप दिल से चाय लवर हो तो आप एक बार यहाँ पे आके जरूर ट्राई करना, क्योंकि इनकी चाय है खास। खास क्यों है? क्योंकि इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, लौंग, इलायची, अदरक वो भी कूट कूट कर इसमें डाला जाता है। तो आइए चलते हैं। वैसे भी किस लाइन में आ गए आप? और देखते हैं कि इनकी चाय में ऐसा क्या खास है कि यहाँ पे चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो या चाहे आम आदमी हो, वो सारे यहाँ पे आते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं और इधर उधर की बातें, राजनीतिक बातें ये सारा करते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों हमारी चाय बनने जा रही है। भैया ने दूध जो है उबाल लिया है, अब इसमें चाय पत्ती डाल दिया है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स से जैसे जैसे डालेंगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये तुलसी पत्ती और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं जिसको भैया अभी चाय में डालेंगे और इसी में जो है भैया अदरक कूटते हैं। दोस्तों इसमें देखिए भैया ने अदरक, तुलसी पत्ता और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली है और इससे ये चाय काफ़ी स्वादिष्ट बन जाती है। दोस्तों अगर आपको गुलाब की पंखुड़ियों वाली, तुलसी पत्ते वाली चाय पीनी है तो आपको सुदामा टी स्टॉल नॉर्थ कैंपस DU में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन चाय मिलेगी। थोड़ा और ऊंचा करिए भैया। हाँ ये देखो दोस्तों चाय को अच्छे से पकाते हुए, दोस्तों इसीलिए फेमस है यहाँ की चाय। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक ऑटो वाले भैया मिले हैं और वो रेगुलर सुदामा टी स्टॉल पे आते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका नाम? नवल उपाध्याय। तो नवल उपाध्याय जी आपको यहाँ पे चाय कैसी लगती है? चाय तो नंबर एक की है यहाँ पे। अच्छा जी। तो पूरी दिल्ली में सबसे बढ़िया अगर चाय कहीं मिलती है तो सुदामा चाय वाले के पास मिलती है। ऐसा क्या खास बात है? ऐसा ये है कि चाय बढ़िया बनाता है, साफ सुथरा प्योर दूध की चाय बनाता है बंदा, और आज से नहीं, ये दुकान करीबन तकरीबन 20 साल से है। इसका रेट जो है 20 रुपए और 15 रुपए, तो क्या ये वाजिब रेट है? रेट तो वाजिब है 15 रुपए 20 रुपए, क्योंकि उस हिसाब से बंदा मसाला भी डालता है, काम भी उस हिसाब से करता है, इसलिए रेट वाजिब है। लेकिन अशोक बिहार से सवारी बैठती है, कहती भैया सुदामा टी स्टॉल पे ले चलो।
क्या बात है दोस्तों, 50 रुपए किराया खर्च करके वो सवारी चाय पीने के लिए आती है, क्योंकि इस चाय नंबर एक की चाय है। इस चाय से ना सर्दी होता है, ना जल्दी जुखाम होता है, ना जल्दी कोई बीमारी आती है, मैंने ये देखा है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो दोस्तों देखा, नवल जी ने काफी अच्छा अपना विचार प्रकट किया। दोस्तों भैया ने ये मसाला डाल दिया है और चाय को टेस्टी बनाने के लिए। और ये दोस्तों हमारी चाय पूरी तरह से खोल के तैयार हो चुकी है। अब ये सर्व किया जाएगा कुल्हड़ या पेपर वाले कप में। मैंने कुल्हड़ में चाय लिया क्योंकि मुझे कुल्हड़ का स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो भीनी भीनी खुशबू आती है मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। और ये सुदामा जी की चाय है, सुदामा जी कृष्ण वाले नहीं, ये सुदामा टी स्टॉल वाले हैं। तो इसका चाय का स्वाद लेता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा खुशबू है दोस्तों। एक बार और टेस्ट करते हैं पहले। बहुत अच्छा दोस्तों है, इसमें स्वाद जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है, चाय बेहतरीन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करना चाहता हूं दोस्तों। सुदामा जी की चाय और ये ठंडी और ये दिल्ली की सर्दी बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। सर्दी को एंजॉय करें और हाँ, कोरोना से बच के रहें, यही मेरा मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से। कोरोना से बच के रहें और लोगों को जागरूक करें। शाबाश बेटा।